नमस्कार मित्रों, आपकी अनुमति से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आरंभ कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने पुनः राहुल गांधी जी की तरह व्यवहार किया है। राहुल गांधी हैज येट अगेन डन राहुल गांधी। कल उन्होंने जर्मनी में भाषण दिया और ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा उस भाषण के दौरान कि हिंदुस्तान को किस प्रकार कम से कम आका जाए और हिंदुस्तान को किस प्रकार एक लो लाइट में, एक तुच्छ देश के रूप में पूरे विश्व के सामने दिखाया जाए। राहुल जी, आप अगर आलू से सोना कैसे बनना है इस विषय में बोलते हैं, आप ये सिकंजी और कोक वाला जब बोलते हैं, ये आप जब बोलते हैं कि आलू की फैक्ट्री खोलनी है, या ये बर्गर वाला जब विषय बोलते हैं, तो हम आपको क्षमा भी करते हैं, उस पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगते। मगर कल जिन विषयों पर आपने अपने वक्तव्य को रखा है, those issues have wider ramifications and dangerous ramifications. जिन विषयों पे आपने justify करने की कोशिश की है, वो विषय बड़े गंभीर हैं और उनका अंजाम भी बड़ा गंभीर है। इसलिए we need an explanation from you. आपसे हमें उत्तर चाहिए। देखिए राहुल जी, कल जिस मंच पर आप बोल रहे थे वो कोई छोटा मंच नहीं था। 23 देश, 33 countries के representative वहां मौजूद थे। वहां आपने आतंकवाद को सही ठहराने का जो प्रयास किया है, आईएस के लिए जो जस्टिफिकेशन दिया है, उससे निकृष्ट कुछ नहीं हो सकता है, उससे भयावह कुछ नहीं हो सकता है और उससे चिंताजनक कुछ नहीं हो सकता है। आपने कहा कि आज जो भारतवर्ष में पॉलिटिकल सिनेरियो है, उस संदर्भ में माइनॉरिटीज को जॉब नहीं मिल रही। अगर जॉब नहीं मिल रही है माइनॉरिटीज को, उसी विषय पर उदाहरण देते हुए आप इराक गए, किस प्रकार अमेरिका ने इराक पर हमला किया था और किस प्रकार कुछ वर्ग के लोगों को वहां नौकरी नहीं दी गई थी, जिसके कारण इन लोगों ने हथियार उठाया, इन लोगों ने आतंकवाद को जन्म दिया, इन लोगों ने सीरिया में आईएस बनाया। और राहुल जी, आप उसी उदाहरण को लेकर भारत में आते हैं और आप ये कहते हैं कि अगर माइनॉरिटीज को भारतवर्ष में नौकरी नहीं मिलेगी और ये विजन मोदी जी नहीं दे पाएंगे देश को, तो समवन एल्स विल गिव द विजन, इंप्लाइंग कि ये विजन आईएस से आएगा। ये बहुत दुखद है। आप अपने आप को देश का नेता कहते हैं, आप देश के एक पार्लियामेंटेरियन हैं, आप विदेश की भूमि में जाकर भद्दा मजाक करते हैं उन विक्टिम्स का जो आतंकवाद के कारण अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। आप आईएस को एक एक्सक्यूज देते हैं, यू आर गिविंग एन एक्सक्यूज फॉर आईएस फॉर्मेशन, और आप कहते हैं नौकरी नहीं मिलेगी, विजन नहीं देंगे मोदी जी, तो देश में आईएस आके अपना विजन देने लगेगी और हमारे माइनॉरिटीज के बंधु उस दिशा में चले जाएंगे। यह अन्याय हमारे माइनॉरिटीज के प्रति है। यू हैव ट्राइड टू डेनिग्रेट द माइनॉरिटीज ऑफ दिस ग्रेट कंट्री कॉल्ड इंडिया। यू हैव क्वेश्चन्ड देम। योर सबमिशन दैट इफ जॉब्स आर नॉट अवेलेबल फॉर द माइनॉरिटीज, दे विल सेल देयर सोल टू एन अल्टरनेटिव आइडिया, कोट अनकोट आईएस, इज समथिंग विच इज डेप्लोरेबल, इज समथिंग फॉर विच यू हैव टू एक्सप्लेन मिस्टर गांधी। 70 वर्षों तक आपके परिवार या आपके परिवार के प्रॉक्सी रहे, उन्होंने कोई विजन नहीं दिया देश को, देश विजनलेस रहा। जो आप आज कह रहे हैं कि देश में आतंकवाद फैल सकता है क्योंकि देश के पास विजन नहीं है, वी कैन नॉट फॉरगिव यू फॉर दैट मिस्टर राहुल गांधी। यू हैव अ फॉल्स एस्टिमेट ऑफ इंडिया एंड इंडिया पोटेंशियल। भारतवर्ष क्या है और भारतवर्ष के अंदर किस प्रकार की शक्ति है, यह आप पहचान नहीं सकते। आपसे जब एक सवाल पूछा जाता है कि आप भारत को विश्व पटल में कहां देखते हैं, तो बंधुओं आप जानते हैं राहुल गांधी क्या कहते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि विश्व के दो शक्तियां हैं, यूएस और चाइना, और यूएस और चाइना के बीच में सब कुछ होगा भविष्य में, और इंडिया केवल इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए किनारे पे खड़ा रहेगा। इंडिया इज ओनली अ कंट्री विच विल ट्राई टू बैलेंस यूएस एंड चाइना। इज दिस व्हाट इज योर एस्टिमेशन फॉर इंडिया?
Is this what you estimate as the potential of 125 crore people, which Mr. Modi calls a demographic dividend of India? ये आपकी सोच है इंडिया के एस्पिरेशन के लिए कि हम केवल नेपथ्य में खड़े होकर पेरिफेरी में और पेडेस्ट्रियन में खड़े होकर बैलेंस करते रहेंगे हम विश्व शक्ति नहीं बनेंगे मिस्टर गांधी वी आर ऑलरेडी वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज टुडे इन द वर्ल्ड ऑर्डर थैंक्स टू द प्राइम मिनिस्टरशिप एंड लीडरशिप ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी राहुल जी आपका यह पूरा भाषण झूठ अतथ्य फरेब से लबरेज था और तमाम झूठ को हम लिख कर लाएंगे और आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं राहुल जी आपने कहा कि लॉ दैट प्रोटेक्ट्स द दलित कम्युनिटी फ्रॉम वायलेंस वाज स्ट्रिकन डाउन वेरी रिसेंटली बाय द मोदी गवर्नमेंट कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को दलितों को जो कानून उनको बचाने का काम करती थी उस कानून को मोदी सरकार ने निरस्त कर दिया उस कानून को समाप्त कर कितना झूठ कहते हैं यू लाई टू दीथ आप पूरी तरह से झूठ बोलते हैं आप मॉनसून सेशन में कहा थे पार्लियामेंट में बैठे थे मन कहा था डोंट यू अंडरस्टैंड एस टू हाउ अ स्ट्रिंजेंट अ मोर स्ट्रिंजेंट एस सी एस टी एट्रोसिटीज एक्ट केम अप विद अमेंडमेंट एक नया कानून आया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद उसको दरकिनार करते हुए हमारे दलित बंधुओं को ध्यान में रखते हुए उनके हित के लिए जो कानून आपने भी नहीं बनाया था उससे अधिक स्ट्रिंजेंट कानून देश के सामने मॉनसून सेशन में आया कहां थे आप जाके जर्मनी में हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के बारे में झूठ बोल रहे हैं दूसरा झूठ मोदी गवर्नमेंट हैज वीकेंड द राइट टू फूड राहुल जी थोड़ा अध्ययन और होमवर्क करना चाहिए आप तो नहीं करते हैं मगर आपकी टीम को करना चाहिए जब 2014 में मोदी जी की सरकार बनी थी मात्र 11 राज्यों में राइट टू फूड था कांग्रेस के समय मगर मोदी जी के एबल नेतृत्व के कारण मोदी जी के सुदृढ़ नेतृत्व के कारण आज 36 राज्य और यूनियन टेरिटरी तमाम राज्य और यूनियन टेरिटरीज सभी में आज राइट टू फूड है कहां 11 70 वर्षों के बाद 11 राज्य तक आप पहुंचे थे और हम सभी राज्य और यूनियन टेरिटरी कंप्लीटिंग 36 इन टोटल हम सब घर तक हर व्यक्ति तक पहुंच पाए हैं राइट टू फूड लेके आप कहते हैं कि मोदी जी ने मनरेगा को वीकेंड कर दिया राहुल जी मनरेगा वॉज अ मॉन्यूमेंटल फेलियर ड्यूरिंग योर टाइम फ्रॉम मॉन्यूमेंटल फेलियर टू अ मॉन्यूमेंटल सक्सेस दिस इज द स्टोरी ऑफ मनरेगा आपके समय मनरेगा एक विफलता की कहानी थी और मोदी जी के नेतृत्व में आज मनरेगा एक सफलता की कहानी है अपार सफलता मिला है सबसे बड़ी बात है वेजेस तनख्वाह जो गरीबों को दी जाती है मनरेगा के माध्यम से 15 दिनों के अंदर 85% लोगों को तनख्वाह मिल जाती है जबकि आपके समय महीनों महीनों तक तनख्वाह नहीं मिलती 15 दिनों के अंदर और खुशी के साथ भारतीय जनता पार्टी आज यह कहना चाहती है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मनरेगा के अंतर्गत 56% से भी अधिक महिलाओं को रोजगार मिला सर्वाधिक जब से मनरेगा चला था इंसेप्शन जब से हुआ था उस समय से लेकर अब तक सर्वाधिक महिलाओं को नौकरी मिली मनरेगा के माध्यम से